हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू यूर इंग्लिश क्लास सो टूडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्लाइंग टूगेदर हमने इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ ली है तो चलिए देखते हैं हाई स्टूडेंट्स हाउ आर यू सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर वी हैव टू कम्प्लीट इट्स एक्सरसाइज सो दिस एक्सरसाइज टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन वर्ड्स सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू वॉट आर क्वेश्चन वर्ड्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि वो वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कि हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर वॉट हाउ हु वैन वाई ये यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन वर्ड्स आपको दे रखे हैं वेयर वॉट हाउ हु वेन एंड वाई अब ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपने ये अक्सर सुने होंगे आप बुक्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करे तो इन्हीं वर्ड्स से हम किसी से भी किसी तरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं इन वर्ड्स का मतलब आपको बता देती हूँ सबसे पहले वेयर वेयर का मतलब होता है कहाँ वॉट वॉट का मतलब होता है क्या हाओ हाओ का मतलब होता है कैसे हाउ डू यू डू आप कैसे हैं हु का मतलब होता है कौन हु आर यू आप कौन हैं वैन वैन का मतलब होता है कब वैन डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कब जाते हैं वाई वाई का मतलब क्या होता है क्यों वाई आर यू क्राइम आप रो क्यों रहे हैं सो so, ये छः क्वेश्चन वर्ड्स हैं बेटा और आज हम लोगों को क्या करना है इस एक्सरसाइज में दो बच्चे हैं अनु एंड अमित दे बोथ आर टॉकिंग एंड वी हैव बिन गिविन द आंसर हमें आंसर्स दिए गए हैं एंड वी हैव टू क्रिएट द क्वेश्चन क्वेश्चन आस्क बाय अमित हमें अनु ने आंसर्स दे रखे हैं एंड वी हैव टू राइट द क्वेश्चन आस्क बाय अमित अमित ने उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे होंगे जिसका आंसर उसने ये दिया है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इट हैज़ बिन डन फॉर अस अनु ने आंसर दिया आई वॉच टी वी इन द इवनिंग तो अनु ने क्या बोला कि मैं शाम को टी वी देखती हूँ तो आप इसके आंसर से पता कर सकते हैं कि अमित ने उससे किस क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा होगा सी यहाँ पे अनु ने बताया कि वो कब टीवी देखती है सो so, प्रश्न में यानी कि क्वेश्चन में अमित ने उससे क्या पूछा होगा कब सो so, अमित आस्क्ड द क्वेश्चन व्हेन डू यू वॉच टीवी व्हेन का मतलब होता है कब ओके सो लाव नाव लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अनु आई प्ले गेम्स अनु ने क्या आंसर दिया मैं गेम खेलती हूँ सो वॉट डू यू थिंक ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा एग्जैक्टली exactly. अनु आप क्या खेलते हो सो हाउ विल यू डू द हाउ विल यू मेक दिस क्वेश्चन इट विल बी वॉट डू यू प्ले वॉट डू यू प्ले वेरी गुड और आपको पता ही है कि हर क्वेश्चन के एंड में हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क इट्स वेरी नेसेसरी जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन सेंटेंस का पहचान ही ये होती है कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है ओके नेक्स्ट अनु आंसर्ड आई कलेक्ट स्टेम्प्स आई कलेक्ट स्टेम्प्स अनू ने क्या आंसर दिया मैं स्टेम्प्स कलेक्ट करती हूँ तो अमित वॉट अमित हैज़ आस्ड एग्जैक्टली

अमित ने पूछा होगा कि तुम कहाँ खेलती हो सो so, कहाँ के लिए मैंने आपको बताया था वर्ड कौन सा होता है वेयर वेरी गुड सो अमित मस्ट हैव आस्ट वेयर डू यू प्ले वेयर डू यू प्ले सो अनु आंसर्ड आई प्ले इन द ग्राउंड नेक्स्ट द लास्ट वन अनु ऑन संडे आई गो शॉपिंग ऑन संडे आई गो शॉपिंग उन्होंने आंसर दिया मैं शॉपिंग संडे को जाती हूँ मैं शॉपिंग संडे को जाती हूँ सो वॉट अमित मस्ट है सो अमित ने पूछा होगा कि तुम शॉपिंग पे कब जाती हो सो so, कब यानि कि वेन वेन डू यू गो फॉर शॉपिंग वेन डू यू गो फॉर शॉपिंग वेरी नाइस सो we have done this question words uh, now in the second question there are some questions asked my question and I have to answer these questions abhi to aapke answers. Sun paungi, but you have to write them in your notebook and send me the photographs so that I can see your answers so the first question is what I am asking to each every student each and every student it is what is your name what is?

डैश 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 लैंग्वेजेस जो भी आप बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट थर्ड वन हाउ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू यू नो दिस आंसर फोर्थ विच इज योर फेवरेट फूड विच इज कौन सा सी देखिए एक और हमने क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई किया विच विच वर्ड का मतलब क्या होता है दिस डब्ल्यू एच आई सी एच विच च इज़ योर फेवरेट फूड इस इसे हम जब किसी चीज़ से रिलेट करते कि कौन सी विच कौन सी फूड आपका फेवरेट है ओके दस फिफ्थ वन वेयर डिड यू गो यर्स टुडे आप कल कहाँ गए थे यू हैव टू आंसर दिस विच कंट्री डू यू बिलोंग टू आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आई बिलोंग टू डैश कंट्री हम सबकी एक ही कंट्री है वी बिलोंग टू India. The country I belong to is India. Next. The last one. When do you go to sleep? Aap chate hain? So you have to write the timing. You have to write when at when, at what time you go to sleep. First number eight. Why do you drink milk? Aap doodh kyu pite hain? Now you have to answer. I drink milk because. एंड यू हैव टू गिव द रीज़न कि आप ड्रिंक क्यों पीते हैं ओके ओके सो दिस मच फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही होप टू गेट योर आंसर सून ओके बाय डू योर वर्क सिंसेरली